वेलकम टू Zoom We Go। हाय, समृद्धि एक्सप्रेसवे लेके अब हम पहुँचे हैं नागपुर। इस एक्सप्रेसवे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे पिछले वीडियो में। इट इज स्टिल लाइक अबाउट 10-15 किलोमीटर आई थिंक टू नागपुर, लेकिन फिर द हाईवे स्टिल कंटिन्यूज टू बी एज इज। टोल तो हमने लास्ट टोल तो हमने क्रॉस कर लिया है, सो आई थिंक अनदर 10-15 मिनट्स और एट द मैक्स 20 मिनट्स वी शुड बी इन नागपुर। बड़ा सा सर्कल है और हमें सर्कल का घूमते रहना है। ऐसे लगता है जैसे ये ही है एक्चुअल एग्जिट, एक्चुअल एंड ऑफ दिस हाईवे, बट आई एम नॉट श्योर। तो जैसे ही हम अब ये सर्कल घूम के जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है आगे, हाईवे है या खत्म हो गया। ओके, तो हाईवे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी रोड की क्वालिटी अच्छी है। और ये है होटल ट्रीबो ट्रेंड ऑरेंज सिटी। नागपुर में वैसे तो ट्रीबो ट्रेंड होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आवर एक्सपीरियंस विद दिस वन इन स्पेसिफिक हैज बीन फैबुलस। एज यू कैन सी, ये हमारा रूम है और ये काफी स्पेशियस है। टॉयलेट और रूम दोनों बहुत साफ और सैनिटाइज्ड है। तो आज रात हम यहाँ रेस्ट करेंगे एंड मीट यू टुमारो। ये है हमारी फ्रेंड आरती और ये है इनका फार्म हाउस। तो आरती, मुझे यहाँ सबसे बेस्ट मिठाई कहाँ मिलेगी? हल्दीराम। तो हल्दीराम का एक ही शॉप है या बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे? बहुत सारे ब्रांचेस, मेनली सदर ब्रांचेस, ब्रांच जो है वो फेमस है। और कौन सी सबसे बेस्ट मिठाई होगी? ऑरेंज बर्फी यहाँ का स्पेशल है। ओके, और खीर कदम। खीर कदम गर्मा गर्म नागपुरी स्टाइल ब्रेकफास्ट अरेंज किया जा रहा है यहाँ। यह है यहाँ का फेमस नाश्ता, तरी पोहा विद कड़ी समोसा। और ये है आंटी, इन्होंने हमें बढ़िया सा खाना खिलाया है। आंटी, हमारे व्यूअर्स को हाय करिए। हाय। और ये है रामदास भाऊ, यहाँ के केयर टेकर है ये। और ये है हमारा एक छोटा सा फ्रेंड, इसका नाम क्या है आंटी? मिठू। गंगा मिठू। अच्छा। तो गाइस, अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ खेत में। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये ऑरेंजेस के पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत ही मीठे ऑरेंजेस है। यहाँ पर बड़े बड़े लेमन्स के पेड़ लगाए हुए हैं, जो दूर से ऑरेंजेस जैसे दिखते हैं पर है लेमन्स, बहुत बड़े लेमन्स हैं। आप देख ही सकते हो। अभी मैं खा रही हूँ ये संतरा ऑरेंजेस, जो कि बहुत ही मीठे है। अगर मुझे नागपुर में साइट सीइंग करनी है तो मुझे यहाँ पे कितने दिन आना पड़ेगा? 2-3 डेज में सब कुछ कवर सब हो जाएगा। यहाँ के टेंपल्स बहुत अच्छे हैं, जो लाइक स्वामी नारायण टेम्पल, गणेश टेकड़ी, नियर बाय वी हैव लाइक विदर्भ का अष्ट विनायक बोलते हैं, अदासा काटोल रोड में है। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और आसपास कोराडी मंदिर, ओके, देवी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है वो भी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ही अच्छा बन हुआ है जी। और यहाँ पे एक और वो मंदिर है, या मुझे नहीं पता, दीक्षा भूमि। तो फिर उसका क्या है? वो बजाज नगर में है, नागपुर के यानी बीचों बीच में, नागपुर के बीचों बीच में है। तो नागपुर की फेमस रिवर कौन सी है? नागपुर की नाग नदी है, बट वो अभी नहीं है। देयर आर सो मेनी लेक्स अवेलेबल नियर बाय नागपुर। Within city, Ambazuri Lake is there. हाँ. Then Futara Lake is there. On Futara Lake there is musical show. Musical show का भी initiation हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों बाद commercialize हो जाएगा, सभी viewers के लिए available होगा। It is one of a kind. I think India में इससे अच्छा musical content अभी तक नहीं हुआ है। They are also developing. कोराडी मंदिर में अभी राम जी का एक बहुत बड़ा project आया मंदिर का। रामटेक में भी आप खिंडसी लेक, वाटर बोटिंग, इन सब चीज़ों का एंजॉयमेंट ले सकते हो। अंबाजरी लेक है, झिल्पी लेक है, अराउंड में पूरे नेशनल सेंचुरीज है, जो कि पेंच, सिल्हारी, ताड़ोबा। उस थोड़ा आगे जाते तो हेमलकसा करके एक प्लेस है, जहाँ पर डॉक्टर आमटे है आपने। तो उन्होंने अपना बहुत अच्छा एक यूनिट बनाया हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल्स के लिए कुछ सेवाएँ की, अपनी पूरी लाइफ डेडिकेटेड कर दी है। वो एक बहुत देखने लायक चीज़ है। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें आप 3-4 दिन 5 दिन में कवर कर सकते हैं। ओके। नागपुर में एक इलाका है जिसका नाम है सदर, वहाँ पे हल्दीराम का एक स्वीट शॉप है और उसी के नीचे उनका रेस्टोरेंट है। वहाँ पे जो फेमस है वो है ऑरेंज बर्फी, ये हमने बहुत सारी ली है, हम लोग ये यहाँ नहीं खाएंगे।
हम ये पुणे जाके खाएंगे। ये सर आप मैं क्लोजअप में दिखा रही हूँ, ये खीर कदम है और ये है मावा चॉकलेट लड्डू। वाह वाह माशाल्लाह। नागपुरी स्टाइल ब्रेकफास्ट कर लिया, संतरे के बागान भी घूम लिए, अब हम निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। फॉरेस्ट रिजर्व्स हमारे हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं। नागपुर के पास जो ताड़ोबा फॉरेस्ट रिजर्व है वो तो फेमस है, आपको पता ही होगा, लेकिन इस बार हम एक दूसरे फॉरेस्ट रिजर्व में आपको लेके जाएंगे, वो है पेंच टाइगर रिजर्व। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे अगले वीडियो में। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़ूम वी गो। बाय बाय।